प्यारे छात्रों, हम लगातार वीडियो के माध्यम से केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में स्थिति संबंधी मापों में मध्य का मीडियन या मध्य का को पढ़ रहे हैं। उसमें भी मैंने आपको व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सदस्य श्रेणी के अंदर उदाहरण के माध्यम से और सूत्रों के माध्यम से आपको समझाया है। अब इसी के अंदर मध्यिका या मध्यिका में चतुर्थक किस प्रकार ज्ञात होता है, उस चतुर्थक को भी जानने की हम कोशिश करेंगे। चतुर्थक का अर्थ है चार भाग, जैसे मैंने यहाँ पर गोला किया है। इस गोले के हमने या तो यू करके यू काटो या ऐसे काटो, कितने भाग बनते हैं? चार भाग ही बनते हैं। इससे स्पष्ट है जब श्रेणी को चार बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है तो उसको हम चतुर्थक कहते हैं। कोई भी श्रेणी हो, उस श्रेणी को हमने चार भागों में बांट दिया तो इसका अर्थ है कि जो बढ़ गया वह चतुर्थक कहलाता है। अब वास्तविक चतुर्थक जैसे स्टैटिक्स के आधार पर व्यवहार शास्त्र के अंदर चतुर्थक दो ही होते हैं, यह स्पष्ट किया है, और वो दो कौन से हैं? तो प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक। प्रथम चतुर्थक को हम क्वार्टर वन कहेंगे और तृतीय चतुर्थक को हम क्वार्टर थ्री कहते हैं। क्वार्टर वन का संक्षिप्त में हम निम्न चतुर्थक कहते हैं और क्वार्टर थ्री को हम उच्च चतुर्थक कहते हैं। इसके अंदर भी चतुर्थक निकालने की तीनों विधियां हैं, व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर, खंडित श्रेणी के अंदर और सदस्य श्रेणी के अंदर। सबसे पहले मैं इस वीडियो के माध्यम में व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर हम किस प्रकार से चतुर्थक को ज्ञात करते हैं उसके बारे में आपको समझा रहा हूँ। व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर जब कभी भी हमें चतुर्थक निकालना होता है तो सबसे पहले जो हमारे समान कहें उन समूहों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमाना बहुत ही आवश्यक है। जब तक आप आरोही और अवरोही क्रम में उन समूहों को नहीं जमाओगे तो आपका चतुर्थक सही रूप से नहीं निकल सकता है। इसके सबसे मेन जो चीज है व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर, मैंने पहले बताया है मध्य का ज्ञात करने के लिए व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर कोई भी समूह दिया हुआ है उन समूह को हमने हमको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमा कर ही निकालना होता है। वैसे ही इस चतुर्थक के अंदर भी हमें क्वार्टर वन ज्ञात करना है या क्वार्टर थ्री ज्ञात करना है तो सबसे पहले जो समूह दिए हैं उन समूहों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखना अति आवश्यक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है 60, 42, 36, 50, 85, 54, 58, 64 और 70 दिए हुए। यहाँ पर देख रहे हैं कि संख्याएं कभी क्रम में जा रही है तो कभी बीच में आ रही है, इसका इसका कोई क्रम निश्चित नहीं है, अर्थात आरोही क्रम भी नहीं है और अवरोही क्रम भी नहीं है। तो हम सबसे पहले आरोही क्रम में इसको जमा कर देखेंगे। वैसे देखा जाए तो क्रम संख्या देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो हम 9 तक की संख्या लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब देखेंगे सबसे छोटा प्राप्तांक कौन सा है, 36 लिया, 36 के बाद कौन सा 42 लिया, 42 के बाद कौन सा 50 लिया, 50 के बाद कौन सा 54 लिया, 54 के बाद कौन सा है 58 लिया, 58 के बाद कौन सा 60 लिया, 60 के बाद फिर कौन सा है 64 लिया, 64 के बाद कौन सा है 70 लिया और 70 के बाद लास्ट में जो है वो 85 लिया। इस तरह से हमने क्रम से उसको लिख दिया, संख्या डाल दी क्रम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हमें व्यक्तिगत श्रेणी में चतुर्थक निकालना है तो सबसे पहले सूत्र है क्वार्टर वन बराबर n+1/4। n+1/4 शब्द का अर्थ ये हुआ कि हमारी जो संख्या n कितनी है 9 है, 9+1/4, 9 और 1 को हम जब जोड़ते हैं तो कितने होते हैं 10, और 10/4 करते हैं भाग लगाते हैं तो हमें 2.5वें पद का मान ज्ञात होता है। आगे समझा रहा हूँ। उसी तरह क्वार्टर थ्री के अंदर देखते हैं
आकृति में दिखा तीन ब्रैकेट एन प्लस वन बटे फोर, अर्थात इसको समझा रहा हूं, देखा पहले यह हमारा 2.5 आया, 2.5 का अर्थ यह हुआ कि 2 और 3, 2 का संबंध कितना है 2.5 इक्वल टू 2 प्लस 3 बटे 2, तो 2 का संबंध कितना है हमारा 42 है और 3 का संबंध कितना है 50 है बटे 2, इन दोनों की जोड़ करेंगे 92 बटे 2 इक्वल टू 46, यह हमारा क्वार्टर 1 हो गया। अब उसी तरह से क्वार्टर 3 निकालना है, क्वार्टर 3 को हम देखते हैं 9, क्वार्टर 3 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू ब्रैकेट 3 n प्लस 1 ब्रैकेट बंद बटे 4, तो 3 ब्रैकेट 9 प्लस 1 बटे 4 3 10 बटे 4 फॉलोइंग क्वार्टर 2.5 आएगा, 2.5 का 3 इंटू 2.5 इजिकल टू 7.5 क्वार्टर 3 के पद का मान हुआ। अब हम देखते हैं 7.5 दिया हुआ है, 7.5 को देखते हैं तो 7 और 8 के बीच का है, तो 7 जो हमारा है वो कितना है 64 है, 64 है और 8 जो दिया हुआ 70 है बटे 2, इन दोनों की जोड़ करेंगे हम तो 4, 7 और 6, 13 बटे 2 भाग लगाएंगे तो 6 × 12 और 7 × 14 67, तो हमारा जो क्वार्टर 3 जो होगा वो 67 होगा और जो क्वार्टर 1 होगा वो हमारा 46 होगा। इस तरह से हम संक्षिप्त रूप में व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर इस तरह से सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से चतुर्थक में व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर आपको समझाया, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको खंडित श्रेणी और सदस्य श्रेणी के बारे में समझाऊंगा। धन्यवाद।